हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस के बारे में कुछ इक्वेशंस और सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। जब अर्ली मैन ने व्हील को बनाया तो उसे ये बात तो समझ में आ ही गई कि जो व्हील है वो पूरी तरीके से गोल नहीं होता है, उसमें अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से उसके मूवमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि व्हील जो बनाए जाते हैं वो काफ़ी हद तक सिमेट्रिक नहीं हो पाते। अब ये उनकी डेंसिटी कहीं पर कम ज़्यादा हो सकती है, उनकी एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं वो भी आगे पीछे हो सकती है या किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकती है। तो हम देखते हैं एक सिंपल सा फ्लाई व्हील का पूरा सेटअप, जिसमें एक व्हील है जिसकी एक्सिस थोड़ी सी इसेंट्रिक है, मतलब थोड़े से सेंटर से दूर है, तो वो अगर धीमे से मूव करता है तो धीमे धीमे चल जाता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ मूव करने पे हम ये देख सकते हैं कि वो एक वाइब्रेटिंग फॉर्म ले लेता है, क्योंकि उसमें जो मास है वो तेज़ी से इधर से उधर रोटेट कर रहा है। अब उसकी जो एक्सिस है वो तो काफ़ी अंदर है, जो कि उसकी ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन होगी, और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ वो रोटेट कर रहा है वो बहुत ही दूर है। तो इससे हमारे अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है। एक होती है स्टेटिक अनबैलेंस, जो कि बिल्कुल यही है जो हम देख रहे हैं। दूसरा है कपल अनबैलेंस। कपल अनबैलेंस में क्या होता है, जो हमारी एक्सिस होती है वो एक्चुअल ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन से तो पास होती है, लेकिन वो एक एंगल पे इंक्लाइन होती है, तो इससे हमारा कपल अनबैलेंस बनता है। जो थर्ड होता है वो होता है हमारा डायनेमिक अनबैलेंस। डायनेमिक अनबैलेंस में ऑफसेट भी होता है और एंगुलर मिसअलाइनमेंट भी होता है। तो जो मोस्ट कॉमन चीज़ होती है वो होता है डायनेमिक अनबैलेंस, क्योंकि ज़्यादातर शाफ्ट्स जो होती हैं वो एंगुलर भी अलाइंड होती हैं गलत तरीके से, और वो बिल्कुल सेंटर पे नहीं होती, तो वो ऑफसेट्स भी होती हैं। अब हम क्या करेंगे, एक रोटेटिंग मास है जो कि एक शाफ्ट के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। उसका मास है m1 और वो रेडियस r1 की दूरी पे है उस शाफ्ट रोटेट कर रही है ओमेगा की स्पीड से, तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर रहा है आउट ऑफ द शाफ्ट वो है m1 ओमेगा स्क्वायर r1। हमें जो अब दूसरा फोर्स चाहिए होगा जिसकी वजह से हम उसे काउंटर करेंगे, उससे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा जो कि होगा m2 ओमेगा स्क्वायर r2। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। अब ये देखना ज़रूरी है कि ये सेम प्लेन पर लाई करते हैं, तो हमारी इक्वेशन आ जाती है m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। इसका मतलब ये है कि रेडियस हमारा कितनी भी दूर हो सकता है और मास उसी हिसाब से वेरी कर सकता है, अगर हमें कोई भी रोटेटिंग मास को बैलेंस करने के लिए कुछ सेकेंड मास निकालना है। अब हम आते हैं वन मास बीइंग बैलेंस्ड बाय टू अदर मासेस। अगर मान लीजिए वही एक मास है लेकिन हम उसको उसके प्लेन में ना बैलेंस करके कोई अलग प्लेन पे बैलेंस कर रहे हैं, तो ये भी हम काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो अलग अलग मासेस चाहिए होंगे जो कि अलग अलग प्लेन्स पे होंगे लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। इसमें सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है हमारा स्टैटिक बैलेंसिंग का। हमने जो पहले स्टेप करा था, हम सारे के सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को निकाल लें और उसको दो जो नए हमारे ग्रीन और रेड से जो नए मासेस हैं उनका सम बराबर कर देंगे जो हमारा प्रीवियस ग्रे कलर का मास था। उसके बाद हमारा डायनेमिक फोर्सेस का आता है। डायनेमिक फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हमें कपल लेना पड़ेगा एक पॉइंट के अबाउट, जो कि होगा m2 के एक्सिस को क्रॉस करने वाला पॉइंट। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि FC1 जो है हमारा रेड कलर का जो बॉल है उसको L जो टोटल डिस्टेंस है इज इक्वल टू FC जो कि हमारा जो इनिशियल मास है उसको L2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी इक्वेशन और जो हमने स्टैटिक बैलेंसिंग की इक्वेशन यूज़ की उसके थ्रू हम पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास जो है कई सारे रोटेटिंग मासेस आ जाते हैं, तो उस केस में हम लोग सिग्मा यूज़ कर लेंगे और दो अलग अलग मासेस ले सकते हैं जो कि कोई भी डिस्टेंस पे रख सकते हैं, उनका पूरा सिग्मा ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फोर्स बैलेंस का, उसमें कपल का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। उन दोनों को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में, और फाइनली हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यही था हमारा बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस का एक शॉर्ट ट्यूटोरियल। नेक्स्ट हम प्रेजेंट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस का।